हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मटर पनीर पुलाव, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, जिसको बनाना भी बहुत आसान होगा। इसको हम कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मटर पनीर पुलाव की रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसको आप घी में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर काजू को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छा सा हम मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे, अच्छा सा क्रंच बना रहेगा हमारे पुलाव में। तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको कि मैंने क्यूब्स में कट किया है। इसको भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए पनीर अच्छा से फ्राई हो चुका है, गोल्डन फ्राई। इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुकर में बनाएंगे, तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं इसको, या घी में भी। ऑयल के गर्म होने के बाद एक बड़ी प्याज हमने फ्राई की करनी है, बारीक स्लाइस में कटी हुई मैंने इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर खड़े मसाले डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें लेंगे। प्याज के फ्राई होने के बाद ये गर्म मसाला हम इसमें डालेंगे, और इस साथ में हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालकर हमें अच्छे से भून लेना है। इनको हम भून लेंगे कच्चापन दूर होने तक। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 2 हरी मिर्च, जो कि मैंने 2 टुकड़ों में की हुई है, और 1/2 कप हम मटर के दाने इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर ली है, आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, फली वाली मटर ली है। और यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है मटर पुलाव में। और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, तो 1/2 कप दही मैं इसमें डालूंगी। आप चाहें तो टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है दही डालने से। तो यहाँ पर दही का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चावल बनते हैं, और खिले खिले भी बनकर तैयार होते हैं। तो ये डालने के बाद हमें इसमें एक अच्छा सा खौल लगने देना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, जो कच्ची बासमती के मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने 1/2 घंटे पहले से भिगो कर रखा है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से कम थोड़े से चावल लिए थे, उससे डबल हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो ध्यान रखना है आपको पानी डबल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी से ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, और इसको हम पकने के लिए रखेंगे 4 से 5 मिनट। तो ये देखिए खोल भी अच्छे से लग चुका है, मटर भी हाफ को खो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चावल। पानी निकाल कर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, और चावल डालने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें। तो इसको हम इस तरह से ढक्कन ढककर पका लेंगे। ढक्कन पूरा नहीं ढकना है, थोड़ा सा खुला रहने देंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, इसको एक सा करेंगे, एक बार चला देंगे। देखिए इतना पानी हो जाने पर हम इसमें पनीर के पीसेस को ऐड करेंगे, साथ में हम काजू भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए काजू भी हम इसमें डाल देंगे, और अब मैं इसमें एक प्रेशर के बाद हम दूसरा प्रेशर इसमें रहने देंगे, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ध्यान रखना है एक फ्लेम आपको एक दे देना है इसमें प्रेशर। अब देखिए प्रेशर खुद से निकल चुका था, और ये हमारा मटर पनीर पुलाव बनके तैयार है। एकदम खिला खिला हमारा चावल कुकर में बनके तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से दम आए हैं। इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा शानदार मटर पनीर पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, कुकर में बहुत ज़्यादा खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेमा विद कुकिंग को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।